हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ। और आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए कि आप लोग कैसे हैं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है मुझे। और आज है 2 मार्च और आज मेरी एक सब्सक्राइबर है तबस्सुम, जो कि डेली कमेंट्स आते हैं उनके, तो उनका आज मैरिज एनिवर्सरी है। तो उनको और उनके हस्बैंड को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आपकी जिंदगी ना खुशियों से भरी रहे, हमेशा आप लोगों की जिंदगी में खुशियां भरी रहे और बहुत ही लंबी 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 चले। तो मैं चाहूंगी कि बाकी आप लोग भी थोड़ी उनको विशेष करें और उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। और चलिए, इसके बाद मैं चलती हूँ, किचन में कुछ काम है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत सारी मेरे घर में भी खुशियां आने वाली हैं। कुछ तो है जिसकी मैं तैयारी में लगी हुई हूँ, तो चलिए वो सब देखते हैं सबसे पहले, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी खुशियां आने वाली हैं मेरे घर में। तो देखिए, यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ खाने बनाने की। तो आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे पनीर कट कर रही थी और पनीर को मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया है और मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर, और इसके अलावा पनीर की एक और रेसिपी मैं बनाऊँगी, क्योंकि मैं आज ज़्यादा खाना बना रही हूँ क्योंकि कुछ लोग आएंगे खाने पे भी। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया है ना कि मेरे घर में भी खुशियाँ आने वाली है, कुछ तो खास है मेरे घर में भी, तो वही सब चीज़ों की मैं तैयारी कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोग आने वाले हैं घर पर, तो उसके लिए भी तैयारी करनी है। आपको पता है कि मैं खाना थोड़ा कम बनाती हूँ क्योंकि कम मेम्बर्स हैं, और उस हिसाब से मैं आज ज़्यादा खाना बना रही हूँ, तो आपको पता चल गया होगा देख के ही। और यहाँ पे मेरा पनीर फ्राई हो चुका है बिल्कुल, मैंने प्याज को भी फ्राई करने के लिए रख दिया, उसमें मसाला वगैरह सब कुछ डाल दिया है, हल्का सा मैं पानी डाल रही हूँ उसमें, और इसका वेट कर रही हूँ कि कब मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए। तो बस थोड़ी देर में मसाला भी फ्राई हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा है आज मसाला इसलिए पकने में थोड़ा सा लेट लग रहा है। और जैसे ही मसाला पक गया है ना, तो उसमें मैंने मटर को डाल दिया है, मटर को मैंने पहले ही डाल दिया है क्योंकि अच्छे से वो थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। और बहुत लोग बॉयल करके भी डालते हैं मटर को अलग से, लेकिन मैं वैसे नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे मैंने राइस को चढ़ा दिया है, ये मैं सिंपल राइस ही बना रही हूँ, लेकिन हल्का सा घी डाल के और तेज़पत्ता डाल के, और इसमें हल्का सा गाजर मैंने कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में डाला हुआ है। तो ये वाली राइस जो होती है ना, वो भी हल्का पुलाव ही कह सकते हैं इसको, तो ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है, तो इसको भी मैंने चढ़ा दिया है साथ ही साथ। और इसके अलावा एक और मैं पनीर की ही रेसिपी बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ें कट करके रखी हुई हैं, प्याज, टमाटर और कैप्सिकम, पनीर को भी मैं कट कर रही हूँ, तो पनीर को भी हल्का फ्राई करूँगी मैं इसके लिए। और उस पर मैंने अभी मटर पनीर जो बनाया था ना, उसमें मैंने थोड़ा सा डीप फ्राई कर दिया था, लेकिन इसमें मैं थोड़ा हल्का फ्राई करने वाली हूँ। और आप देख रहे हैं कि मैंने छौंक लगा दी है, कैप्सिकम और प्याज को मैंने छौंक दिया है, और यहाँ पे मैंने अभी जो टमाटर है उसको मैंने अभी नहीं डाला हुआ है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे उसके बाद डालेंगे, थोड़ा 5 मिनट वो हो जाए। और यहाँ पे देखिए, पनीर को भी फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल डाल दिया है, पनीर को मैं डाल रही हूँ और इसको मैं हल्का हल्का फ्राई करूँगी। और यहाँ पे आप प्लेट में देख रहे हैं ना, थोड़े थोड़े टुकड़े पनीर के मैंने रख दिए हैं, तो वो परी के लिए रख दिए हैं और बाबू के लिए रख दिए हैं, वो लोग थोड़ा थोड़ा ना एक एक बाइट लेके थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और पनीर देखिए मैं पलट रही हूँ क्योंकि ये हल्का फुल्का फ्राई हो चुका है, ज़्यादा फ्राई करेंगे ना तो ये जो चिल्ली पनीर में होता है ना, तो इसमें थोड़ा सा टाइट सा हो जाता है, इसलिए हल्का फ्राई करना ही बेटर होता है। तो यहाँ पे मेरी एक तरफ चिली पनीर का जो कैप्सिकम वगैरह जो भी डालना था ना, वो मैंने डाल दिया है, वो तैयार हो रहा है। एक तरफ मैं पनीर को फ्राई करूँगी, ये जल्दी ही हो जाएगा। और नीचे ग्लास देखिए आ रहा है, तो ये बाबू का काम है, यहाँ नीचे में खड़ा हो गया है और ग्लास कटोरी जो भी चीज़ें हैं ना नीचे से उठा उठा के रैक में से, और सारी चीज़ें मुझे पकड़ाते रहता है ऐसे ही करके। और पनीर भी मेरा लगभग फ्राई हो चुका है। और बस यहाँ पे मैं पनीर को डाल रही हूँ, तो पनीर को डाल दूँगी और थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी पकने के लिए। और इसमें पानी नहीं डालते हैं, पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला हुआ है क्योंकि ये थोड़ा सा देर के बाद वो बैठ जाएगा अपने आप, लेकिन यहाँ पे मैंने ज़रा सा पानी जानबूझ के डाला हुआ है।
और इस हिसाब से अपने हिसाब से डाला हुआ है मैंने। और पनीर की सब्ज़ी ये भी मेरी तैयार हो चुकी है बिल्कुल भी। और बताइएगा ज़रूर कि कैसा बना है। और इसके बाद से बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, ये मैंने आपसे कहा था मेरे घर में। तो यहाँ पे देखिए, परी और उसके पापा गए हुए हैं यहाँ पे किसी शॉप में, यहाँ पे गए हैं वो केक का ऑर्डर करने के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि किसी का बर्थडे है या फिर कोई सेलिब्रेशन है, ऐसा ज़रूर है, इसलिए ये लोग यहाँ पे गए हुए हैं केक का ऑर्डर करने के लिए। तो परी से उसके पापा ना चूज करवा रहे हैं कि कौन सा केक हम लोग ऑर्डर करें, कौन सा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर परी चूज़ कर रही है, तो एट लास्ट ना ये बोल रही थी कि रेड वाला या फिर बिल्कुल चॉकलेट वाला। तो इसने एक बार बस चॉकलेट वाला ही फ्लेवर जो है वो वाला इसने सेलेक्ट कर लिया है। जो और आप देख रहे हैं कि मेरे हस्बैंड बैठ के बलून फुला रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे बलून्स फूलने वाले हैं, 100-150 बलून्स फूलने वाले हैं। और मैं और मेरे हस्बैंड कुछ बातें भी कर रहे हैं, कुछ डेकोरेशंस वगैरह को लेके कुछ बातें कर रहे हैं। तो वहीं वो कुछ सजेस्ट कर रहे हैं तो मुझसे पूछ रहे हैं, मैं बता रही थी तो वहीं हमारी बात चल रही थी। बाबू भी जगा हुआ है, बाबू भी इधर ही है खेल रहा है, और इतने सारे बलून्स फूल गए हैं, अभी इतने और फूलने बाकी हैं। तो चलिए देखिए कि क्या है हमारे घर में, कौन सी बड़ी सी खुशी है हमारे घर में। तो आपको भी तो शामिल होना ही है, जाहिर सी बात है। तो ब्लॉग को ऐसे ही देखते रहिए और पता करिए कि, और आप गेस करके ज़रूर बताइए कि आखिर क्या है, मैं कौन सी खुशी के बारे में बात कर रही हूँ, हमारे घर में आखिर क्या है, बर्थडे है या फिर क्या है, कुछ भी तो आप तो गेस कर ही सकते हैं। खैर, और यहाँ पे ना मैं बहुत सारी तैयारियाँ भी कर रही हूँ पहले से, आपको मालूम है। परी अभी तक इस ब्लॉग में नहीं देखी है आज के ब्लॉग में, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश है अभी।